Hello students, good morning. In previous lecture we have discussed about weed control method, and today we will discuss about insect pest control. इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में फर्स्ट टाइप आ जाएगा चुविंग इंसेक्ट. चुविंग मीन्स चबाना, मीन्स जो इंसेक्ट प्लांट्स को चबा जाता है. तो इसका एग्जांपल है लोकस्ट, ग्रास हॉपर, कैटरपिलर, ईटीसी. देन सेकेंड वन इज सकिंग इंसेक्ट, जो प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स होता है उसका हार्मोन होता है वो खींच लेता है. जैसे मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो इंसान का ब्लड खींच लेता है. तो सकिंग इंसेक्ट जो प्लांट्स का मिनरल्स, हार्मोन ये सारा खींच ले. तो इसका एग्जांपल है एफिड, लीफ हॉपर, प्लांट बड, तो जंदी बड ऑफ राइस, रेड कॉटन बड और डाइस डर्टस. देन थर्ड वन इज इंटरनल फीडर. इंटरनल फीडर मीन्स ये इंसेक्ट प्लांट्स के अंदर रहता है. ये इंसेक्ट ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, ये उसके अंदर में रहता है. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बोरर्स. When they live in twins or root as sugarcane borer. तो ये थ्री टाइप्स था इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल. अब डिजीज ऑफ क्रॉप देखते हैं. जैसे ह्यूमन में डिजीज होता है वैसे प्लांट्स में भी डिजीज होता है. तो टाइप्स ऑफ डिजीज में फर्स्ट टाइप है सीड बॉर्न डिजीज, जो डिजीज सीड से जन्म लेता हो. तो इसका एग्जांपल है ईयरग्लॉट ऑफ बाजरा और ऑफ पियर मिलेट, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लूज स्मट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ सुगरकेन. दीज ऑल आर नेम ऑफ डिजीज. तो यू विल डिस्कस इन हायर क्लासेस, दैट इज ईयरग्लॉट ऑफ बाजरा, लीफ स्पॉट ऑफ राइस. और अभी आप लोग अगर डिजीज देखना चाहते हैं तो गूगल पे इसका सारा इमेज देख लेना, इट विल हेल्प यू वेरी मच. और सीड बॉर्न डिजीज मोस्टली आर कॉज्ड बाय फंगी. देन सेकेंड वन इज सॉयल बॉर्न डिजीज, जो डिजीज सॉयल से हो. देन स्मट ऑफ बाजरा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट. थर्ड वन इज एयर बॉर्न डिजीज, जो हवा से फैलता हो. फर्स्ट वन एग्जाम्पल है रस्ट ऑफ व्हीट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस. फोर्थ वन इज वाटर बॉर्न डिजीज, मीन्स जो वाटर से फैलता हो या जो वाटर में होता हो. देन बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस. तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज नेम, नेम ऑफ इंसेक्ट या फिर नेम ऑफ डिजीज. नाउ वी आर मूव फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक, that is stories of rain. Stories means हम लोग अब अपना सीरियल्स तो ले आए, जो भी प्रोडक्शन था, तो उसको स्टोर कैसे रखेंगे. तो मोस्टली ये थ्री स्टेप्स में डिवाइडेड है. मीन्स फूड रेन आर स्टोर्ड एट फॉलोइंग थ्री लेवल्स. फर्स्ट वन इज एट प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोड्यूस करता है, मीन्स फार्मर. ऑल्सो कॉल्ड रूरल स्टोरेज.
रूरल स्टोरेज मीन्स वो विलेज में स्टोर करता है। देन सेकेंड वन एट ट्रेडर्स लेवल, फार्मर जहां बेचता है इसको सोल्ड करता है जिसके यहाँ व्यापार के यहाँ, तो वो व्यापार एट ट्रेडर्स लेवल। देन थर्ड वन इज एट FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्रेडर से सारा फूड लेके गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लेवल पे हो गया जो स्टेट वाइज फूड रहता है। देन बायोटिक फैक्टर सच एज इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स एंड बैक्टीरिया कैन डैमेज द स्टोर्ड फूड। अब हम लोग जब स्टोरेज रख रहे हैं तो हमारे स्टोर रूम में भी फसल बर्बाद हो सकता है। तो इसका बायोटिक फैक्टर है इंसेक्ट, रोडेंट्स मीन्स माउस, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया ईटीसी एंड ए बायोटिक फैक्टर्स में फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फूड ग्रेन स्टोर्ड एट लोअर टेम्परेचर दैट इज बिलो देन 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए हमारा टेम्परेचर। देन इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड ईटीसी। अब इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया उस रूम में तो उसमें फंगी, मोस्टली फंगी या बैक्टीरिया उसमें जल्दी ग्रो हो रहा, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए वो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा विच डिस्ट्रॉय द स्टोर्ड फूड या ग्रेन। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर, प्रिवेंशन में पहले लेते हैं ड्राइंग, जो भी हम लोग फील्ड से क्रॉप लाते हैं उसको सुखा देते हैं पहले ड्राइंग, देन क्लीनिंग, सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, देन केमिकल कंट्रोल BHC जनरली यूज करते हैं। जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं कि अगर ड्रम में गेहूं रखाता है तो उसमें मेडिसिन दिया जाता है, तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या मेलाथियोन मोस्टली यूज होता है। फ्यूमिगेशन स्मेल के लिए फ्यूमिगेशन, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट ये सॉलिड फ्यूमिगेशन है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक पॉइजन। मिथाइल ब्रोमाइड ये गैसियस फ्यूमिगेंट है। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर दिस टेबल, टेबल 1.8 और पेज नंबर 23। You have to remember the disease of a crop. Rice, wheat, chicken pea, pigeon pea, mustard. ये पांच क्रॉप दिया हुआ है, इसका डिजीज है, डिजीज पैथोजन है मीन्स फंगी से हो रहा है ये सारा डिजीज। इसका सिम्पटम दिया हुआ है, पहला राइस, राइस में ब्लास्ट डिजीज, ब्लास्ट डिजीज जो फंगी से होता है, फंगी का नाम दिया हुआ है पायरीक्यूलेरिस ओराइजे। तो इसका सिम्पटम है ब्राउन बोट शेप्ड लेशन मीन्स स्पॉट अपीयर्ड ऑन द मार्जिन ऑफ लीफ। तो इसका सिम्पटम हो जाएगा ब्राउन बोट शेप्ड स्पॉट हो जाएगा मार्जिन, मार्जिन इसको बोलते हैं, ये लेंथ जो है इसको मार्जिन बोलेंगे। तो लीफ के मार्जिन पे ब्राउन बोट शेप्ड स्पॉट आ जाएगा। और इसका कंट्रोल मेथड है सीड ट्रीटमेंट विथ थीराम 2.5 ग्राम पर केजी सीड फर्स्ट है। दूसरा उपाय स्प्रे बेविस्टीन 1 ग्राम पर लीटर वाटर एट 10 डेज इंटरवल। तो ये दो केमिकल्स है
जो अदर ब्लास्ट डिजीज हो जाए तो इस दोनों का स्प्रे करेंगे। तो वैसे ही चार क्रॉप और है जिसको यू हैव टू मस्ट रिमेम्बर दिस नेम। थैंक यू फॉर टूडेज, आई विल मीट यू इन अदर लेक्चर। थैंक यू क्लास।